चाहते हैं कि हमारे घर में परमानेंट लक्ष्मी रहे। देखो अधिक मास 3 साल में आता है और श्रावण वाला अधिक मास तो 19 साल में आया है, तो परमानेंट टिकाऊ स्थाऊ उपाय बता रहा हूं, आपको जो टिकाऊ है। 5वें दिन मतलब 22 तारीख को आप लोग गन्ने के रस से, गन्ने का रस होता है ना जिसे संस्कृत में चक्षु रस कहा जाता है, गन्ने का रस, उस गन्ने के रस को थोड़ा सा लें एक पात्र में, थोड़ा सा गन्ने का रस बेल पत्र के वृक्ष में चढ़ा दें, थोड़ा सा, और थोड़ा सा जाके तुलसी की जड़ में चढ़ा दें, और दोनों ही जगह पर वो पात्र अलग अलग लेके जाना, कहीं एक ही पात्र में दोनों जगह चढ़ाया हो, दोनों ही जगह जाकर स्थाई लक्ष्मी की प्रार्थना करके आ जाए। जब वहां जाए बेलपत्र पे जब चढ़ाए तो माँ पार्वती बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करें, बेलपत्र की सेवा करने से, बेलपत्र चढ़ाने से लक्ष्मी माँ बड़ी प्रसन्न होती बहुत। और तुलसी दल जहां तुलसी का बिरवा है वहां चढ़ाने से, वहां तो नारायण बैठे रहते हैं, और जहां नारायण बैठे रहते हैं वहां पार्वती लक्ष्मी मैया बैठी रहती हैं, तो तुलसी के बिरवे पे चढ़ाते समय यही मांगे कि हे माँ लक्ष्मी, हे नारायण भगवान, आप हमारे घर में स्थायी निवास करें, लक्ष्मी माँ को भी प्रार्थना करें। तो ये अधिक मास के 5वें दिन आपको करना है। कौन से दिन? और 5वां दिन पड़ेगा 22 तारीख। आप 22 तारीख को ये करें, और जब आप 22 तारीख को ये करेंगे तो आपको निश्चित स्थाई लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, लेकिन उसका सदुपयोग करें, दुरुपयोग न करें।